तो आज मैं आपको सैलेड की कटिंग करके दिखाऊंगा कैसे हम डिज़ाइन में सैलेड काट सकते हैं, और बहुत इजी वे में आपको दिखाऊंगा ताकि आप अपने घर में किसी फंक्शन में जा कोई रिलेटिव आता है कभी तो उनके सामने आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सो चलो कटिंग करते हैं। सो सैलेड के लिए हम लेंगे ऑनियन, उसके लिए हम लेंगे टमाटो, साथ में हम लेंगे कुकुम्बर, साथ में हम लेंगे रेडिश, और हम इसमें यूज़ करेंगे कैरेट, लेमन हम यूज़ करेंगे इसमें वेजिस के लिए, और साथ में हम चिली यूज़ करेंगे, इसको हम करेंगे सलिट। तो अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ हमें कैसे कटिंग करनी है। तो पहले तो हमने कुकुम्बर को पील कर लेना अच्छे से, उसके बाद हमें जैसे ये नाइफ लेके हमें इससे ऐसे वन चारों साइड में अच्छे से इसके डिज़ाइन के लिए इसको स्लाइस करेंगे, स्लांट स्लाइस। हम लेंगे रेडिश, और रेडिश को हम सेम कटिंग करना और पील करना, उसके बाद हमें सेम ऐसे ही जैसे हमने कुकुम्बर को, इससे क्या होगा, इससे आपका जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा लगेगा लगेगा, और जब हम लोग इसको प्लेटिंग करेंगे तो वो एक आइस जब कोई देखेगा तो उसको टोटली डिफरेंट सा लगेगा। सो ये हमें हमने होल्ड कर लिया इसको अच्छे से। अभी हमें इसको पहले फर्स्ट स्लाइस लेनी है, इसको हमें साइड में कर देना है, उसके बाद हमें कंटिन्यू हमें ध्यान रखना है कि नाइफ जो है हमारी फिंगर में ना लगे, और हमें ऐसे एक एक कटिंग करते जाना और इसकी अपनी फिंगर को रोटेट करते जाना अच्छे से। सो अब हम इसको स्लाइस करेंगे सेम जैसे हमने वो कुकुम्बर और रेडिश को किया था, सेम स्लांट कट करना है। उसके बाद सब मैं ओनियन को कट करूंगा, हमें ध्यान रखना है ओनियन को पील करने के बाद हमें जो इसकी ये बोन है ये हमेशा रिमूव करनी है, चाहे आप सैलेड के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप किसी ग्रेवी के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बिटरनेस होता है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। अभी हम सैलेड के लिए इसको राउंड कटिंग करेंगे। सो अब मैं करूँगा टमाटो को कटिंग, सर्कल कटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका जो बैक है इसको अच्छे से कट करना है। जितना नाइफ आपका शार्प रहेगा उतना ही टमाटो से जो वाटर निकलता है वो कम। और सैलेड में हम यूज़ करेंगे लेमन, लेमन को हम करेंगे वेजिस, हमें ऐसे होल्ड करना है, इसको सेंटर से कटिंग करनी है। उसके बाद वन लेमन से आप सिक्स वेजिस। उसके बाद और चिल्ली को हम यूज करेंगे स्लिट करके, हमें ऐसे स्लिट करना, आप यूज करते हैं छुपा आपने सारा सारा भी है। तो ऐसे हमें चिल्ली जो है स्लिट करनी है, हमें होल्ड करना से बैक से और इसको सेंटर में, उसके बाद हमें टॉप टू एंड तक लेके जाना है। ये हमारी प्लेट चली रेडी। तो अब मैं आपको प्लेट में हमें कैसे सजाना है वेजिटेबल वो दिखाऊंगा।
फिर हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला। सो आप ऐसे ही कटिंग करके इजी वे में सैलड बना सकते हैं और अपने कोई भी रिलेटिव जो कुछ आएगा तो आप उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।